आज हम बनाने जा रहे हैं चावल का रोटी और चटनी, जिसे खाकर बहुत बढ़िया और स्वादिष्ट बनेगा। ये लाल मिर्चा है जो चटनी के लिए रखे हैं, लहसुन है जो टुकड़ा है, आम का अचार है जो हम चटनी पीसेंगे इसी में डालेंगे, ये नमक है और ये सरसों का तेल है जो हम आटा गरम गरम पानी में आटा को गूंथेंगे, जो मारने में बहुत मुलायम और रोटी बनने में बढ़िया लगता है। तो लाल मिर्चा रखे हैं और लहसुन, अब मैं इनको भूनूंगी तवा पर रख कर, और इसे थोड़ा सा भून कर मैं इसे चटनी पीसूंगी जो स्वादिष्ट लगता है खाने में। पहले से पानी रखे हैं, पानी एकदम गर्म हो चुका है, इसे हम चावल का डालेंगे। मैं आधा लीटर पानी डाले थे, इतने चावल चावल का करते हुए खूब इसे गूंथेंगे। ऐसे जो रोटी बनने में फूलेगा और खाने में स्वादिष्ट लगेगा। इसे हम सरसों के तेल में ही बनाएंगे, आपको जो तेल पसंद हो उसे आप बना सकते हैं। थोड़ा थोड़ा रिफाइंड का तेल लगा रही हूँ, देखिए और
दाल हो चुका है, इसे मैं निकाला। ये दूसरा है, देखिए तेल डाल चुके हैं, इसे हम पलट रहे हैं। देखिए कुरकुरा बन रहा है, खाने में भी स्वादिष्ट लगेगा। चावल का रोटी है, देखिए फुला फुला है, इसे हम खूब सेक लेंगे। मेरा हो गया, इसे हम निकाल लें। मेरा चावल की रोटी बनकर तैयार है। देखिए ये चटनी है लाल वाली, ये रोटी, देखिए हम तोड़ कर दिखा रहे हैं, फुला फुला परत छोड़ दिया है, सब डिप कर कर दिखा रहे हैं चटनी में। देखिए अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और शेयर करिए।